गुड आफ्टरनून श्रेया, यस सर, आवाज आ रही मेरी क्लियर? यस सर। सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द एडेप्टेशन। कुलदीप, Everybody open your videos. Okay. What is Ellen's room? Kuldeep. What is Ellen's room? Sir, Ellen's rule says that if a body, if an organism wants to conserve the heat, then it should have the least surface area, because surface area is the because heat loss is dependent on the surface areas. Okay. What is altitude sickness, Madhu? Altitude sickness. सर, जब हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, उसकी वजह से जो सिकनेस होती है, जैसे नॉसिनिया है। और गुड, व्हिच काइंड ऑफ एडेप्टेशन फॉलोड बाय द डेजर्ट लिजार्ड? वंदना? यस सर। Which kind of adaptation is shown by the desert lizard? Shreya? Sir, high temperature according to their habitat. I want to know only that physiological, physical or behavioral? Sir, behavioral. Very good, behavioral, right? It means you pupils have prepared well. So today we will discuss regarding the population attribute, right? Basically, population, देखो population क्या है मालूम है, सबको clear है? मैं एक definition देना चाहता हूँ population की, क्योंकि सबसे पहला था भाई what is population, right? Actually मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, उस सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। इन 2022 ह्यूमन पॉपुलेशन इन चित्रकूट इज 5 लैक्स। क्या बोला मैंने? इन 2022 ह्यूमन पॉपुलेशन इन चित्रकूट इज 5 लैक्स। क्या क्या चीजें हैं इसमें? एक तो पर्टिकुलर टाइम आ गया इन 2022, राइट? अच्छा, एक तो पर्टिकुलर टाइम आया, दूसरा पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया आया, है ना? और तीसरी चीज क्या आई? पर्टिकुलर स्पेसीज की पॉपुलेशन, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन स्पेसीज इन ए पर्टिकुलर टाइम इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया is termed as population. Clear हो गया? Yes sir. अगर इन तीन में से कोई भी एक चीज missing है तो population के definition incomplete होगी। Reason क्या है? मैंने बोला human population 1 करोड़ है, बोलो सही या गलत? कहाँ 1 करोड़? कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, मैंने कहा अरे 10 करोड़ पॉपुलेशन है, तब तो बात बिल्कुल इनकम्प्लीट हो गई। 10 करोड़ ह्यूमन पॉपुलेशन है तो भी इनकम्प्लीट। मैंने कहा चित्रकूट की पॉपुलेशन 10 करोड़ है तो भी इनकम्प्लीट। कभी की बात कर रहे भैया, जैसे हम लोग अभी देश के बोलते ना सवा अरब सवा अरब सवा अरब सवा अरब, कब थी? पिछले सेंसस में, सही है ना? 1 अरब 40 करोड़ कब थी? पिछले सेंसस में। तो ये सेंसस अभी तक में क्या पॉपुलेशन के नंबर्स नहीं बढ़े होंगे?
तो एग्जैक्ट नहीं है ना ये फिगर, आपको क्या देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया देना पड़ेगा, और तब किसी भी स्पेसीज के जो टोटल काउंट है वो क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। समझ गए? अच्छा जी, इस पॉपुलेशन को कौन कौन सी चीजें कंट्रोल करती हैं, दैट आर टर्म्ड एज द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। नंबर वन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक कोई पॉन्ड है, कोई पॉन्ड है, उस पॉन्ड में सपोज वाले 10 कमल के फूल है, लोटस। ठीक है, और अगले ही दिन उसमें 20 है, तो उसके अगले दिन कितने होंगे? 30। चलिए आप 30 कह सकते हैं, कुछ लोग 40 भी करेंगे, क्योंकि पहले दिन 10 का जस्ट डबल 20 था, अगले दिन 20 का जस्ट डबल 40 हो जाएगा। आप टाइम पीरियड ले रहे हैं ना, रेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस पर यूनिट टाइम, यही है ना। तो ये तो हो गया बर्थ रेट। अच्छा, अगर हर दिन 10-10 लोटस के फ्लावर बढ़ रहे हैं तो क्या रेट हो जाएगा उसका, 10 फ्लावर पर डे, यही हो गया ना। अच्छा जी, लेकिन एक चीज और हो गई, 10 फ्लावर पर डे हो तो रहे लेकिन हर दिन 5 फ्लावर मुरझा के टूट के गिर जाते हैं, अब क्या होगा? तो अगर मैं पूछता हूं आपसे कि आज 10 फ्लावर हैं तो कल कितने होंगे, 15, क्योंकि 10 नए बनेंगे, 5 तो टूट चुके होंगे। तो कॉन्सेप्ट आया दिमाग में, पहला बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट। ठीक है, तो कितने नए जन्म हुए और कितने डेड हो गए, ये दोनों मिलाकर के ही हमारा पॉपुलेशन साइज बनाएंगे। इज इट और नॉट? तो एक एट्रीब्यूट ये हो गया, एक एट्रीब्यूट ये हो गया। दूसरा एट्रीब्यूट अगर हम लोग देखें, सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो। क्योंकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात कहता हूं, अगर किसी पॉपुलेशन में 100 फीमेल है और 100 मेल है, ठीक है, 100 फीमेल है और 100 मेल है, तो ऐसे कंडीशन में और हर साल अगर एक बच्चे का जन्म हो रहा है तो साल भर बाद कितने लोग होंगे टोटल? हंड्रेड मेल है, 100 फीमेल है और हर साल एक बच्चे का जन्म हो रहा है, साल भर के बाद कितने लोग? सर 100 ही होंगे। क्या बात है, 100 कैसे होंगे? सर एक फीमेल है और एक मेल है तो दोनों से एक होगा ना। हाँ तो ये 3 हो गए ना। तो सर बेबी ने आपको बोले थे, वो तो काउंट करना पड़ेगा ना पॉपुलेशन में, तो वो भी आएंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन दूसरे स्पेसीज को प्रोड्यूस करेगा, सेम स्पेसीज रहेगी तो। हाँ नहीं, ठीक है, देखो बेटा एक बात समझना, 300 हो जाएगा। आप गलत आंसर देते हैं ना तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्यों, आप और भी चीजें सीखते हैं उसमें। याद रखिएगा, पॉपुलेशन में हर फेज के लोग काउंट होंगे, चाहे वो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि बच्चा, जवान और बूढ़े, सभी काउंट होंगे पॉपुलेशन में, पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं होता उसमें। समझ गए बात को? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 फीमेल, 100 मेल, 200 ये हो गए, और 100 चिल्ड्रंस हो गए तो 300 हो गई पॉपुलेशन, हो गई ना। अच्छा जी, दूसरा, अगर 50 फीमेल है और 150 मेल है, 50 फीमेल, 150 मेल है और एक साल में एक ही बच्चे का जन्म होता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? सोचिए, जवाब दीजिए,
बेटा देखो, आप अगर दिमाग चलाइएगा तो आप चीजों को बिल्कुल सही से समझिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएगा बाद में। इसे मैं लाइन टू लाइन नहीं चल रहा। 250 ऑब्वियसली, बिकॉज 50 फीमेल है ना, ठीक है, तो 150 मेल 50 फीमेल, चाइल्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, फीमेल, तो 50 चिल्ड्रन हो गए, तो टोटल 250। तो अब समझ में आया कि जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है उसमें सेक्स रेशियो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी समझ में कि नहीं आया? अच्छा, इसको जस्ट उल्टा करते हैं। 150 फीमेल्स है और 50 मेल्स है, अब कितने नंबर हो जाएंगे साल भर बाद? 350। कॉन्सेप्ट बन गया पूरा दिमाग में अच्छे से? पक्का? बिल्कुल। तो ये है, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन में एक तो बर्थ रेट डेथ रेट मैटर करेगा, दूसरा सेक्स रेशियो मैटर करेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव स्पीसीज है। नेक्स्ट, एज पिरामिड। एज पिरामिड बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें? अभी मैंने कहा, अगर देखो एक चीज समझिए, हाँ बहुत बढ़िया, मैंने कहा 100 फीमेल है 100 मेल है, अगले साल कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? आपने कहा 300। नेक्स्ट ईयर कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? 600 ना? किसने बोला? वंदना? अच्छा सोचो, जो छोटे से बच्चे थे 100, क्या वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे? तो 600 कहां से हो गए? अगेन यही जो कपल थे 100 फीमेल 100 मेल, यही तो जनरेशन आगे बढ़ाएंगे ना। तो ये 200 थे, 100 और हो गए तो 300, और 100 पहले थे तो 400 ही हुआ ना, न कि 600। क्लियर? मतलब यहाँ पे सेक्स रेशियो मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा? लेकिन यही 20 ईयर के बाद अगर देखेंगे तो जो इस साल बच्चे प्रोड्यूस हुए थे वो भी रिप्रोडक्टिव एज में आ जाएंगे, तो फिर एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। 15, 16 या 17, 18 ईयर तक तो एज इट इज बढ़ेगा, इसके बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू करेगा। कुछ बन रहा है समझ में आ रहा दिमाग में? एज मतलब तीन एज होंगी, एक तो प्री रिप्रोडक्टिव जिसमें बॉडी की सिर्फ ग्रोथ होगी रिप्रोडक्शन नहीं, दूसरा रिप्रोडक्टिव जिसमें रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। समझ गए? तो अब इससे समझ में आ गया कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में एज पिरामिड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी कंट्री में किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? अच्छा एक बात बताइए, जिस घर में बूढ़ों की संख्या ज्यादा है और बच्चों की संख्या कम है उस घर को आप ज्यादा हेल्दी मानोगे, या जिसमें बूढ़े कम है बच्चे की भगवान? बूढ़े वाले ज्यादा होंगे, वो जिसमें बूढ़े ज्यादा होंगे, है ना। तो मान लो आज 100 बूढ़े हैं, 2 बच्चे हैं, 50 साल बाद कितने बूढ़े होंगे वहां? 2 बूढ़े रह जाएंगे, बाकी तो सब, तो पॉपुलेशन तो खत्म हो रही है आपकी। अच्छा 2 बूढ़े हैं लेकिन 50 बच्चे हैं, नाती पोते, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट कुछ? चलिए मैं एक पिरामिड आपको दिखाता हूं। अभी ये देखिए आप, ये है हमारा प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ये प्री रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव है, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव All the childrens, अच्छा reproductive age कहाँ से स्टार्ट होती है? जनरली गर्ल्स में मेनोर्थ स्टार्ट होता 13 ईयर से, 13 साल से, ठीक है।
एनिमल के केस में देखेंगे तो जैसे ही वो मैच्योर हो वैसे रिप्रोडक्शन स्टार्ट, बट ह्यूमन के केस में ये भी वेरी कर जाएगा। 13 ईयर से प्यूबर्टी आ गई कोई बात नहीं है, बट अगर मैरिज 20 या 25 ईयर्स में हो रहा है तो रिप्रोडक्टिव तभी से स्टार्ट होगी। अगर हम गवर्नमेंट का अगर हम गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करें तो जो गर्ल्स हैं उनकी मैरिज एज कितना होना चाहिए, 21 ईयर, ठीक है। अगर हम उसी नियम को फॉलो करके चलें तो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में कितने लोग आएंगे, ऑल दोज हु आर बिलो देन 21, ये सभी प्री रिप्रोडक्टिव आ जाएंगे पक्का। अगर नेचुरल सिस्टम को मानेंगे तो ऑल दोज हु आर बिलो 13 दे ऑल कम्स अंडर द प्री रिप्रोडक्टिव पक्का। ये समझ में आ गया कुलदीप बेटा, अपना वीडियो ऑन करिए आप। अच्छा जी, रिप्रोडक्टिव में मेल के लिए तो कोई रिप्रोडक्टिव एज नहीं है, वो जैसे ही एडोलेसेंस में या प्यूबर्टी में आता है उसके बाद से टिल टू डेथ उसका रिप्रोडक्टिव एज चलता रहता है। फीमेल्स में होता है मेनोपॉज 45 से 50 इयर्स तक, यानी कि जैसे ही वो 45 से 50 ईयर हो जाएंगे उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में। किसमें जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। सिमिलरली हम मैन को भी ले लेते हैं 50 या 60 ईयर के एज में पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अच्छा, ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द फैमिली प्लानिंग। अगर हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है तो जैसे ही दो हो गए अब वो दोनों की एज भले ही कुछ भी हो दे आर नाउ इन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, यस और नो। तो ये नेचुरल सिस्टम और हमारा एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से, नेचुरल सिस्टम के हिसाब से देखेंगे तो भी ये चीज, तो पॉपुलेशन 3 टाइप में हो गई कि नहीं हो गई। सोचो अगर रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव के नंबर बहुत ज्यादा है, उनसे कम है रिप्रोडक्टिव, फिर उनसे कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी जैसे हमारे भारत देश की है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। हमने कहा नहीं भैया बहुत हो गया, हम दो हमारे दो, तो स्टेबल पॉपुलेशन हो गई। क्या जितने चिल्ड्रन प्री रिप्रोडक्टिव में है उतने ही रिप्रोडक्टिव में है देखो, और वही पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होंगे जाके, तो ये पिरामिड लगभग बराबर हो जाता है। तो ये पॉपुलेशन कैसी रहेगी, स्टेबल। मतलब हम लोग अभी अगर अगर 150 करोड़ है, 1 अरब 50 करोड़, तो आगे भी हम इतने ही बने रहेंगे अगर हमने फॉलो किया हम दो हमारे दो का फैमिली प्लानिंग। क्लियर। करंटली हम लोग इस स्टेज में एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में, आने वाले समय में हम स्टेबल पॉपुलेशन में जाएंगे। अच्छा, बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज है दे डोंट वांट टू हैव द चाइल्ड, वो बच्चे रखना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं ये हमारा अपना जीवन है, हम उसको अपने तौर तरीके से जिएंगे, अपने ऐसो आराम के लिए जिएंगे, कौन शादी के चक्कर में पड़े। हमारे देश में भी इसकी शुरुआत हो गई है, बहुत से यूथ ऐसे हैं दे डोंट वांट टू मैरी, और अगर मैरी करते हैं तो दे डोंट वांट टू हैव द चाइल्ड, वो कहते करना क्या है भाई पक्का। अच्छा, जहां ये कंडीशन है तो भाई साहब रिप्रोडक्टिव स्टेज में तो सफिशियंट लोग हैं, लेकिन दे डोंट टू हैव द चाइल्ड, तो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में ये होंगे। अच्छा, आने वाले समय में यही जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज के हैं यही बढ़ेंगे, क्या बनेंगे, रिप्रोडक्टिव स्टेज में। तो जो अभी आपका इतना बड़ा सा कॉलम है वो इतना छोटा सा हो जाएगा। अच्छा, बाद में ये और ऊपर बढ़ेगा ऐसे ही। अच्छा, जो प्री रिप्रोडक्टिव, अब मान लो इसमें 100 है तो ये सिर्फ 50 ही रखेंगे तो ये कॉलम और छोटा हो जाएगा, फिर वो 50-25, तो लगातार पॉपुलेशन घटेगी, इसे बोलते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इसीलिए अमेरिका जैसी कंट्री में 6 करोड़ की पॉपुलेशन है और हमारे देश में, अरे उनके 6 करोड़ की हमारे 6 का पहाड़ पड़ी है, जब तक पढ़ सकते हो पढ़ते रहो तब तक पॉपुलेशन कंप्लीट होती रही, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो एक आपको एज पिरामिड क्लियर हो गया, आपको एज पिरामिड सबको क्लियर हो। एक तो हमारा रहा बर्थ एंड डेथ रेशियो रेट, दूसरा रहा सेक्स रेशियो, तीसरा रहा एज पिरामिड, और चौथा है पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी।
ये है आपका साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा जी, ये पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? डेंसिटी तो आप सब जानते हैं, किसी को दिक्कत है क्या डेंसिटी में? नहीं। अच्छा जी, डेंसिटी जनरली होता क्या है आप ऐसे समझ लो, छोटी सी चीज समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। डेंसिटी चलो हम ट्रेन में ले लेते हैं, ठीक। लोकल ट्रेन में क्या है, कितनी डेंसिटी है? एक सीट में बैठते हैं तीन लोग, तीन इधर तीन उधर, छह हो गए, इनके ऊपर भी तीन तीन, 12 हो गए, इधर साइड 3 15 हो गए, ऊपर 3 18 हो गए, ठीक पक्का। एक छोटे से केबिन को बता रहा हूं, कितने लोग होते हैं उसमें? 18 लोगों की सीट है, होते 108 है उसमें। अरे लोकल ट्रेन है, कोई ऐसी गरी ट्रेन थोड़ी है, पक्का। अब एक बोगी की कैपेसिटी सपोज 100 लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट। उसमें बैठे कितने हैं? 600 लोग। अरे राम राम राम, पाप लगेगा, दो उंगली नहीं दिखाना, 6 दिखाइए, 8 दिखा दो उसे। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी लोकल ट्रेन की। अच्छा, उसी उसमें जो लोकल बोगी है उसकी जगह आप एसी में चले जाइए, एक सीट में एक बंदा, उसकी डेंसिटी कितनी है? वो भी 100 का सीट का होगा, ये भी 100 सीट का है, इसमें 600 उसमें से 100 होगी। और जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कौन कम वक्त एसी में जाए फ्लाइट में जाएंगे, पक्का। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, लोकल बोगी की या एसी बोगी की? लोकल। अच्छा, तो डेंसिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन देखा जाए तो 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, उसका जितना क्षेत्रफल है, एरिया है, एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक बंदा, ये आता है। हमारे यहां एक बार आप क्रिकेट करा के देखो, पता चल जाएगा छोटे से स्टेडियम कितने लोग आते हैं। ये हिंदुस्तान है ना, ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज समझ में आ गया आपको, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड पर यूनिट एरिया इज टर्म एज द पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा, तो जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी वो कौन सी पॉपुलेशन होगी, एक्सपेंडिंग, स्टेबल या डिक्लाइनिंग? जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। हाँ सर, आप कुछ आंसर दे रहे थे, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी, सीधी सी बात है। और जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जितनी कम होगी, वो कौन सी होगी? डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग, मैं देख रहा हूं कि कुलदीप, वंदना और आदित्य, दे आर नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स। एनीहाउ, तो अभी ये बताइए, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हमारा क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, कौन कौन से पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हैं? बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दूसरा सेक्स रेशियो, तीसरा एज पिरामिड, चौथा पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी। सो हियर आर 4 एट्रीब्यूट व्हिच कंट्रोल द पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन। कॉन्सेप्ट बना आपका या नहीं? ओके देन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वी विल स्टडी रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। Is there any question you want to ask? No? No. Okay then. Till that, thank you. Have a nice day.